Golpes press. Vale. Llegas rotas, que van a ser. Come on, come on. Justice. मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जस्टिस। मेरा नाम मिसबा है, मैं एक पाकिस्तानी औरत हूँ। मैं कुछ साल पहले शादी करके कश्मीर आई थी अपने हस्बैंड के साथ। अब यहाँ पे हमें कोई पासपोर्ट, कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी हमें हमारी पहचान नहीं दी जा रही। हम बार बार आते हैं, बार बार आते और बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। हम 8, 10, 12 सालों से यहाँ पे हमारी बहुत सारी लेडीज़ फंसी हुई हैं। हमें खुदा रहा, हमें वापस भेजिए। हम अपील कर रहे हैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के, कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप हमें सिर्फ यहाँ से पुश बैक कर दीजिए। अगर आप हमें सिटीज़नशिप नहीं दे सकते, आप हमें कबूल नहीं कर सकते, तो हमें वापस भेजिए। हम तो इसके सिवा और कुछ नहीं चाहते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई पहचान ही नहीं है। हम उनको एडमिशन करते, उनके पास कोई पहचान ही नहीं है। हमारे हस्बैंड को सिटीज़नशिप है, वो यहाँ के लोकल हैं, तो हमने कौन सा गुनाह किया है? अगर आपको लगता है कि हम इल्लीगल हैं, आप लोग हमें नेपाली रिटर्न बोल रहे हो, तो फिर हमें वापस भेजो ना, जेल में भरो, इतने बड़े जेल हैं, हमें भी डालो, हमारे सज़ा दो। ऐसे क्यों आपने हमें छोड़ा हुआ है रहम व करम पे? कुछ तो कीजिए, एटलीस्ट कुछ तो कीजिए। आप हमें पासपोर्ट दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग 3 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं करे, हम लोग 6, 8 सालों से लॉकडाउन में हैं। 14 साल से 15 सालों से। कुछ हमारी लेडीज़ हैं जिनको यहाँ पे 15 साल हो चुके हैं। वहाँ पे हमारे फैमिली में कोई गुजर जाता है, माँ बाप बीमार होते हैं, हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम इतने दूर हैं, ये तो किसी दुनिया में कहीं भी ये कानून नहीं है कि आप किसी को ऐसे बंद करके रख सकते हो। आप हमें अगर कबूल नहीं कर रहे, आप हमें वापस भेजिए, हमें पुश बैक कीजिए कि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हम अपने बच्चों को लेके बॉर्डर पे बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे। आप बहनें, आप भी समझिए, हम एक लेडीज हैं। आप कैसे लेडीज के साथ इंसानी, कम से कम इंसानी नहीं तो कम से कम इखलाक नहीं आप लोग समझिए। आप लोगों की कंट्रोवर्सी अपनी जगह पे, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। शुक्रिया।